मोबाइल यूजर यहाँ पे क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही घंटी के ऑप्शन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन को भी इनेबल कर लें और मेरी लेटेस्ट वीडियो देखें सबसे पहले। हे अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ जिशान और आप देख रहे हैं ऑल उर्दू टिप्स। तो दोस्तों, हमेशा से हमारे फोन में जो है वो स्टोरेज का इशू रहा है। हर दूसरे बंदे को जो है दोस्तों यही प्रॉब्लम होती है कि उसके फोन की स्टोरेज का जो है वो इशू रहता है, क्योंकि दोस्तों हम बहुत सी वीडियो, पिक्चर्स, डॉक्यूमेंट्स ऐसे अपने मोबाइल में रखते हैं जिनके पास हमारे फोन में जो है स्टोरेज बहुत ही कम रह जाती है। तो आज दोस्तों मैं आपको बहुत ही कमाल की कुछ टिप्स देने वाला हूँ जिनके बाद दोस्तों आपके मोबाइल में जो है स्टोरेज का इशू जो है खत्म हो जाएगा, जो बहुत ही कम रह जाएगा। तो ये बहुत ही कमाल की टिप्स है दोस्तों, इसलिए मेरी वीडियो को से लेकर लास्ट तक का देखते रहिएगा। और अगर कुछ लोगों को इन टिप्स का पहले से पता तो अच्छी बात है, और अगर जिन लोगों को नहीं पता तो आज की वीडियो उन्हीं लोगों के लिए। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो शुरू करते हैं। उसके लिए सबसे पहले दोस्तों हम फाइल मैनेजर में जाते हैं। किसी भी फाइल मैनेजर में आप जा सकते हैं। फाइल मैनेजर में दोस्तों आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, आपको ये सारे फोल्डर जो है वो चेक करने पड़ेंगे कि इनमें बहुत सी फजूल जो है वो कैची फाइल होती है, ऐसी फाइल्स होती है जिनका हमें जो है वो कोई फायदा नहीं होता, कोई जरूरत नहीं होती। हम रूटीन में बहुत से एप्स और गेम्स करते रहते हैं डाउनलोड, जिनके साथ जो है ऐसी फजूल बहुत सी चीजें आती रहती है, जिस तरह हम इंटरनेट ब्राउजिंग करते हैं या कोई भी एप्स जो है वो यूज करते हैं, और यूज करने के बाद उस टाइम उनके साथ बहुत सी फजूल जो है वो कैची फाइल आती है दोस्तों, वो कैची फाइल होती है जिनकी हमें जो जरूरत नहीं होती। आपको इसलिए सारे फोल्डर जो है एक एक करके चेक करना पड़ेगा और उनमें कैची फाइल जितनी फजूल फाइल्स है उन्हें जो है डिलीट करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल अगर आप ब्राउजिंग करते हैं तो उसमें भी ऐसी बहुत सी फजूल चीजें आती है, या इंटरनेट शॉपिंग की कुछ साइट्स है उनके साथ भी ऐसी बहुत सी फजूल सी चीजें आती है दोस्तों, जिस तरह की ये दोस्तों bango.com, ये इंटरनेट की साइट है, आपको पता है इंटरनेट शॉपिंग साइट है। इसमें आप जैसे आप आएंगे तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 377 ये कैची फाइल है जिनका कोई फायदा नहीं है, बिल्कुल फजूल है, ये काम के नहीं हमारे, इसलिए आप इनको जो है वो सिलेक्ट ऑल करके, यहाँ पर उन पर सिलेक्ट ऑल की ऑप्शन होती है, उसके बाद यहाँ पर डिलीट करके इन्हें उड़ाते हैं। जिस तरह देख ले दोस्तों ये डेम ऑफ एनिवर्सरी केक की नीचे एक फोल्डर, इसका मुझे खुद नहीं पता ये कब मैंने ऐप इंस्टॉल किया हुआ, कौन सा किया, और उसके साथ जो ये फजूल सी चीजें आ गई। और सम टाइम होता है दोस्तों अगर आप उन एप्स को या गेम्स को डिलीट भी कर देते हैं तो उनके फोल्डर जो है यहाँ पर बैकग्राउंड में रह जाते हैं, आप इसलिए फाइल मैनेजर में आकर उसे जो है वहाँ से भी डिलीट कर दिया करें। अब इसमें 1386 जो है वो कैचेड फाइल है, यहाँ पर आप देखें ये बहुत सी फजूल फाइल से कैजेट फाइल है जिनकी हमें कोई जरूरत नहीं, इन्हें भी आप सिलेक्ट करें ऑल सिलेक्ट और इन्हें भी डिलीट कर दें। जिस तरह से देखो दोस्तों ये एसी मार्केट है, आपको पता है इस मार्केट का यहाँ पर पेड एप्स जो फ्री में डाउनलोड हम कर सकते हैं, अगर इसमें आप जाएं तो ये टेम्परेरी है, अभी जो फजूल फाइल्स होती है अगर इस तरह की कोई फाइल्स हो उन्हें भी आप उड़ा दें। कैचेट फाइल या इस तरह की फाइल्स ये जितनी है ये फजूल है, इन्होंने सिर्फ स्पेस ली हुई है हमारे फोन में और ये कुछ नहीं कर रही, इनको भी सिलेक्ट ऑल करके डिलीट कर दें। तो चलिए दोस्तों अगली टिप की बात कर लेते हैं, यहाँ से बैक करके वापस आ जाए। उसके लिए आपको दोस्तों सेटिंग में जाना पड़ेगा। सेटिंग में जाने के बाद आपने सबसे नीचे आना है और आपने स्टोरेज में जाना है। स्टोरेज में जाने के बाद दोस्तों आपने इंटरनल स्टोरेज में जाना है। तो इंटरनल स्टोरेज में आने के बाद दोस्तों सबसे नीचे आप देख रहे होंगे यहाँ पर कैचेड डेटा। तो इस टिप्स का बहुत से लोगों को पता होगा दोस्तों, जिनको नहीं पता उनके लिए ये बहुत ही कमाल की टिप होने वाली, क्योंकि अक्सर मैंने देखा दोस्तों को कि जिनके मोबाइल में यहाँ पर तकरीबन 8-8, 10-10 GB जो है ये कैचेड डेटा में फजूल पेस्ट जो है वो यूज की होती है, जिनका कोई भी फायदा नहीं होता दोस्तों हमारे मोबाइल में। तो यहाँ पर मेरे भी इस टाइम 2 GB से ज्यादा है, अगर आप ऊपर देखेंगे अवेलेबल स्पेस जो है वो 1.98 GB जो है इस टाइम अवेलेबल है, आप देख रहे हैं तकरीबन 2 GB आप समझ लें। तो ये कैचेड डेटा जो है इस पे आपने क्लिक करना और इसको जो है उड़ा देना, डिलीट कर दें। कल मेरे एक फ्रेंड को देखा दोस्तों जिसकी यहाँ पर 8 GB जो है वो कैचेड डेटा पे फजूल जो है स्पेस कवर की हुई थी, उसको मैंने डिलीट किया और 8 GB उसके मोबाइल में जो स्पेस निकल आई। तो यहाँ पर आपने क्लिक करना है, उसके बाद डिलीट की ऑप्शन आएगी और फिर डिलीट कर दें। तो जैसे आप डिलीट करेंगे दोस्तों आप देखेंगे ऊपर जो है हमारी 1.98 GB जो स्पेस फ्री थी, अब उसमें ये 2 GB जो वो प्लस हो जाएगी, तो तकरीबन 4 GB जो है वो फ्री निकल आएगी मोबाइल में। ये थोड़ा सा टाइम लेता है दोस्तों इसको जो है डिलीट करने के लिए, तो आपने थोड़ा सा वेट करना। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे दोस्तों उसने जो है वो डिलीट कर दी है, और जिस तरह मैंने बताया था तकरीबन 4 GB से ज्यादा जो है मेरे मोबाइल में इस टाइम फ्री स्पेस निकल आई है। तो अब आप देख रहे होंगे सिर्फ जो है वो 12 KB नीचे कैची डेटा जो है रह गया, यानी कि कोई भी अब फजूल जो है वो कैची फाइल्स हमारे मोबाइल में नहीं है। तो चलें दोस्तों यहाँ से बैक करके वापस आ जाते हैं, और अगली टिप ये है कि दोस्तों आप अपने मोबाइल में कैमरे से वीडियोस बनाते हैं। अक्सर लोगों को ये नहीं पता कि वो बहुत ज्यादा जो है ना स्पेस लेती है हमारे मोबाइल के कैमरे की जो वीडियो बनी होती है, क्योंकि आजकल जितने मोबाइल आ रहे हैं उनके कैमरे जो काफी अच्छे हाई रेजोल्यूशन में जो वीडियोस बनाते हैं। और आपने सिंपली जो वो कैमरे में जाना है दोस्तों, उसके बाद उसकी सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद ये 3 डॉट पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपने जो है वो वीडियो साइज में जाना है। यहाँ पर आप देख रहे हैं 1280x720 पे इस टाइम मैंने रखा हुआ है, इस रेजोल्यूशन पे रखा हुआ है दोस्तों। अगर आपके मोबाइल में इससे हाई रेजोल्यूशन पे है तो समझ लें दोस्तों, अगर आप
आप 10 मिनट की भी वीडियो बनाते हैं तो तकरीबन 1 GB या 2 GB वो आपकी स्पेस ले लेगा। और आप समझते होंगे कि 2-3 मिनट की आपने सिर्फ वीडियो बनाई हुई है तो वो क्या ज्यादा स्पेस ले रही होगी, लेकिन वो बहुत ज्यादा आपके मोबाइल की जो स्पेस वीडियोस लेती है। तो अगर आपके पास एक्सटर्नल SD कार्ड है मोबाइल में तो आप उसमें जो है वो मूव करवा दें, या आप वो सारी वीडियोस को निकाल के अपने कंप्यूटर में सेव कर लें और अपने मोबाइल की स्पेस को जो है वो क्लियर कर लें। और अगर आप रखना भी चाह रहे हैं दोस्तों तो आपको यहाँ से जो है वो रेजोल्यूशन कम करना पड़ेगा, 640x480 पे काट लें। तो आपने उन वीडियोस को जो है वो मोबाइल में अगर देखना होता है तो यहाँ से जो रेजोल्यूशन जितना कम हो सकता है कम काट लें। तो यहाँ पर आकर लाजमी आप चेक कर लें कि किस रेजोल्यूशन पर आपकी जो है वो सेटिंग उस टाइम रखी हुई है। यहाँ से बैक करके वापस आ जाए। चलिए दोस्तों यहाँ पर दोबारा जो है फाइल मैनेजर में जाते हैं। फाइल मैनेजर में जाने के बाद दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि थर्ड पार्टी जितने एप्स होते हैं दोस्तों जिन्हें आप अपने मोबाइल में इंस्टॉल करते हैं, AC मार्केट में या ब्लैक मार्केट या किसी भी ऐसी मार्केट से जहाँ से हमें पेड ऐप्स जो है वो फ्री में मिलते हैं, जब वहाँ पर हम उन्हें इंस्टॉल करते हैं तो दोस्तों अपने मोबाइल में इंस्टॉल करने के बाद वो ऐप्स जो है वो आपके मोबाइल में भी रह जाते हैं जिनकी आपको जरूरत नहीं होती। जिस तरह मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर ब्लैक मार्केट है, ये पेड ऐप्स मैंने ब्लैक मार्केट से जो इंस्टॉल किए मेरे मोबाइल में तो इंस्टॉल हो गया, लेकिन वो ऐप भी जो है वो यहाँ पर जो है उस फोल्डर में रह जाता है। तो इस तरह आप कितने ऐप्स जो है वो अपने मोबाइल में इंस्टॉल तो करते रहते हैं लेकिन उनका APK फाइल जो होती है वो आपके मोबाइल में ही रहती है, जो कि आपके स्पेस को जो बहुत ज्यादा यूज कर रही होती है। उनको भी आप आकर यहाँ पर जो है सिलेक्ट करके ऑल और उन्हें डिलीट कर सकते हैं। तो इस तरह भी आप स्पेस जो है अपने मोबाइल से काफी निकाल सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की छोटी सी वीडियो मेरी आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अपने एंड्रॉइड फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करें। और ऐसी इंटरेस्टिंग टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और सब्सक्राइब के साथ बेल के ऑप्शन को दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो देखते रहे, सीखते रहे नई नई चीजें।